हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द न्यू इमेजिनर। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि रिवॉल्व कमांड कैसे यूज़ किया जाता है। एक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, ओके, कुछ इस तरीके से कोई पार्ट बनाएंगे और इसके हम सेक्शन व्यू करेंगे, ठीक है। ड्राइंग ड्रॉ करके हम इसे प्रिंट आउट करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम टेबल भी ऐड कर सकते हैं, ओके। So let's start it with the new file. Okay. File, then new part, then okay. जैसे हम फाइल को ओपन करते हैं, न्यू फाइल को ओपन करते हैं, तो हमारे कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन बार दिखने को मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेट करेंगे। कोई अकॉर्डिंग टू योर स्केच यू कैन यूज एनी प्लेन, ओके। सो स्केच फर्स्ट प्लेन एंड देन सेट एज अ नॉर्मल, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो प्लेन है वो हाइड नहीं हुई है, तो हम इस प्लेन को हाइड कर देते हैं, ओके। तो हमें सिर्फ सेक्शंस दिखेंगे, तो सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दिखेंगे सिर्फ, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके। ड्रॉ सर्कल विद द डाया ऑफ 30, ओके। डायमेंशंस करेंगे हम इसकी, पहले डिलीट जो डिफॉल्ट डायमेंशन है उसको हम डिलीट करते हैं और नई डायमेंशंस लगाते 30 mm, ओके। नाउ ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दिस टू, ओके। तो हमने रिवॉल्व कमांड यूज़ करना है, तो हमें सिर्फ यही सेक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे, यूज ट्रिम कमांड और इरेज ऑल दिस, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि हमने रिवॉल्व करना है, ओके। तो रिवॉल्व कमांड में क्या होता है कि हम हाफ सेक्शन ड्रॉ करते हैं, ओके। अब इसे हम डायमेंशन देंगे, ओके। This is our delete 10 mm, okay, and 10 mm. This is our 15 mm, okay. Now delete this. ओके, ड्रॉ करेंगे हम डिलीट 6 mm, ओके। नाउ हमारी जो स्केच है वो फुल्ली डिफाइन हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, स्केच आउट, ठीक है। यहाँ पे रिवॉल्व कमांड में जाएंगे, रिवॉल्व कमांड में सेक्शन आइटम्स बता रहे, तो हम यहाँ पे मिड प्लेन कहते थे, ओके। रिवॉल्व कमांड है, आइटम सिलेक्ट करना है दिस, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि हम हमारी जो स्केच है वो रिवॉल्व कमांड से ड्रॉ हो चुकी है, तो हम यहाँ पे ओके ना। अब हमारी स्केच रेडी हो चुकी है, तो हम अगर किसी वर्कर को हम कोई पार्ट ड्रॉ डिज़ाइन करने के लिए देंगे, तो हमें इसका रेफरेंस चाहिए होता है, साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राइंग कर ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में, ओके। देन ओके पार्ट्स का नाम दे देना कुछ भी, तो यहाँ पे हमें दिखेगा साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ओके। यहाँ पे हम टेबल ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग टेबल,
ओके यहाँ पे सो हम यहाँ टेबल ऐड कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमारी एक शीट तैयार हो चुकी है। ओके डायमेंशंस दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट। ओके थैंक यू।